कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ छात्रों ने ढुग्गी बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। छात्रसंघ भवन से लेकर पूरे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों को पंपलेट बांटकर किया जागरूक। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक बार फिर से 400% फी वृद्धि के विरोध में 84 दिनों से चल रहे आमरण अनशन तथा 860 दिनों से छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं, जिससे छात्रों में व्यापक आक्रोश है। वहीं आज एक बार फिर विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर पूरे विश्वविद्यालय परिसर में सैकड़ों छात्र एकजुट होकर डुग्गी पीटकर छात्रों को पंपलेट के माध्यम से जागरूक किया गया और छात्र नेता अजय यादव के निरस्त किए गए दाखिले को लेकर कुलपति दफ्तर पर कुलपति का भी घेराव किया गया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के नेतृत्वकर्ता छात्र नेता अजय यादव सम्राट ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति अवैध है और इसको लेकर आज डुग्गी बजाकर छात्रों के बीच जाया गया और पंपलेट बांटकर उन्हें जागरूक किया गया और यह बताया गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति अवैध है। आगे अजय यादव ने कहा कि जिसको भी नियुक्ति को लेकर दस्तावेज चाहिए मुझसे संपर्क करें, मैं आप लोगों को पूरा दस्तावेज दूंगा और साथ ही साथ इसके काले चिट्ठे का भी उजागर करने का काम करूंगा। आगे पूरी रिपोर्ट देखिए प्रयागराज से संवाददाता सतन पटेल के साथ। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति अवैध है, इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में मामला लंबित है। उसके बाद भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति विश्वविद्यालय में नियुक्तियां करती चली जा रही हैं। जब एक अयोग्य कुलपति खुद की उनकी नियुक्ति अवैध है तो योग्य व्यक्ति का चयन कैसे करेंगे, पहला प्रश्न तो यह खड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% शुल्क वृद्धि के विरोध में आज 84 दिनों से आमरण अनशन पर छात्र बैठे हैं, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। छात्र संघ बहाली को लेकर 860 दिनों से आंदोलन चल रहा है, उन छात्रों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और इसको लेकर छात्रों के बीच में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति अवैध है, उसको लेकर छात्र सभी संगठित हों और इसके खिलाफ लड़ा जाएगा, क्योंकि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कुलपति है लगातार छात्रों पर फर्जी मुकदमे, छात्रों का निलंबन निष्कासन और उनका दाखिला कैंसिल करने का काम कर रहे हैं, जिससे छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं। उसको लेकर आज कैंपस में डुग्गी पीटकर छात्रों को जागरूक किया जा रहा है कि आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति अवैध है, जिसको लेकर हम लोग कंप्लेंट भी बांट रहे हैं। आगे की क्या कार्रवाई होगी अगर ये सब करने के बाद फिर आप कहीं और जाएंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसी तरह से आप लोगों का संघर्ष चलेगा? देखिए, यह लड़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक ही नहीं सीमित है, इस लड़ाई को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ले जाएंगे और आने वाले समय में यह आंदोलन एक व्यापक आंदोलन हो, क्योंकि 2017 के बाद कोई एक बड़ा आंदोलन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ नहीं है, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन के सब कुछ, इनकी जो भी भय था छात्रों में, जो भी विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग छात्रों का जो भी मान सम्मान करते हैं करना भूल गए हैं, लगातार छात्रों का शोषण कर रहे हैं। तो इसको लेकर हम लोग सभी छात्र संगठित हो रहे हैं और सभी छात्र मिल करके विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अजय यादव सम्राट, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।